स्टूडेंट टुडे डिस्कस संस्कृत त्रयोदश पाठ अधिकरणं कारकं सप्तमी विभक्ति अस्माकं ग्रामः एंड देन डिस्कस असाइनमेंट्स जो मूल्यांकन साइन के कुछ सप्तमी विभक्ति के बारे में बताया गया है कि अस्माकं ग्राम्स जो हैं हमारे गांव अधिकरणं कारकं जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो बचे हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मैंने इनके कुछ पार्ट जो कि कहानी के माध्यम से जो गांव में कैसे ग्राम्स रहते हैं जो गांव होते हैं कैसे होते हैं वहां के लोग कैसे होते हैं वहां की वातावरण कैसे होती है वहां की जो व्यवस्थाएं रहती है वो कैसे होती हैं इनके बारे में मैं आपसे डिस्कस किया। आज हम उनके कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट की बात करेंगे जो कक्षा सिस्टम संस्कृत की बात कर रहे हैं हम जहां आपको समझने में दिक्कत होगी बताइएगा उस पैराग्राफ्स को उस क्वेश्चन आंसर्स को मैं पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट की। इससे पहले कुछ शब्दार्थ को अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि शब्दार्थ जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। शब्दार्थ याद रहेंगे आपको वर्ड मीनिंग्स याद रहेंगे तो आपको पाठ जो माला होती है उनको पढ़ने में उनको अध्ययन करने में दिक्कत नहीं होगी। पेज नंबर 90 की बात कर रहे हैं 90 पेज नंबर देखिएगा उनके कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट की बात की गई है। मूल्यांकन असाइनमेंट में बात करेंगे हम जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स है मूल्यांकनम असाइनमेंट्स जो होती हैं प्रथम नंबर दिए हुए हैं उदाहरणम अनुसारम रिक्त स्थानानि पुरत पुरियत की बात की गई है कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को आपको फिलअप करना है भरना है तो यथा के रूप में दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर यथा उदाहरण जो दिए हुए हैं बालकी बालकयोः बालकेषु उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के समक्ष आपको क्या करना है जो क नंबर जो दिए हुए हैं उनको आपको फिलअप करने होंगे बालकी बालकयोः बालकेषु। ग्रामी ग्रामयोः ग्रामेषु मैंने क्या बोला प्रथम नंबर ग्राम की बात की गई है तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके ग्रामी ग्रामे ग्रामयाः और ग्रामेषु इस प्रकार आप उदाहरण के अनुसार चलेंगे। नगरे नगरयोः नगरेषु सेकेंड नंबर की बात की जा रही है यहाँ पर सेकेंड नंबर पे देखेंगे प्रथम नंबर मैंने बताया सेकेंड नंबर की बात की गई है कि नगरे नगरयोः नगरेषु। थर्ड नंबर की बात की गई है छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। अध्यापिके अध्यापके अध्यापकयोः अध्यापकेषु। फिफ्थ नंबर की बात की गई है कि वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु। सरोवरे सरोवरोः सरोवरयोः सर्वे सरोवरेषु इस प्रकार सरोवरेषु सरोवरयोः और सरोवरे बालकी के अनुसार आप चलाएंगे सभी जो क्वेश्चन दिए हैं बालकी बालकयोः बालकेषु इस प्रकार इनमें कुछ इनके उदाहरण चलेंगे। अब बात करते हैं हम कुछ ख नंबर की बात करते हैं ख नंबर में दिए हुए हैं कि कन्यायाँ कन्योः और कन्याषु कुछ उदाहरण दिए हुए हैं तो उसी प्रकार विद्याशु यहाँ पर दिए हुए हैं विद्याशु कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो यहाँ पर आएंगे विद्यायान विद्यायान
प्रजा की बात की गई है, प्रजायाम प्रजायोह प्रजायसु, पाठशालायाम पाठशालायोह पाठशालायासु पाठशालायासु। फोर्थ नंबर की बात की गई है प्रतियोगिताशु दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतियोगिताम प्रतियोगितायाम प्रतियोगितायोह प्रतियोगिताशु। फिफ्थ नंबर है प्रभा की बात की गई है प्रभायाम प्रभायोह प्रभाशु, बालिकायाम बालिकायोह बालिकाशु। इस प्रकार जो कन्यायाम दिए हुए हैं यथा के रूप में दिए हुए हैं, यथा जो दिए दिख रहे हैं आपको, यथा के अनुसार आपको चलाना है। यहाँ के जो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यथा है ना, उनके अनुसार आप ख नंबर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो दिए हुए हैं पैराग्राफ्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उनको आपको चला के लिखना है। अब कुछ शुद्धन विकल्पम उत्तरत, मतलब आपको शुद्धम विकल्पम चुनी, मतलब शुद्ध विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, उत्तर देना है, उनको चुनिए बोला गया है। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, प्रथम नंबर दिए हुए हैं, प्रथम नंबर क्या दिया है कि ग्रामा परिता कानी संति, ग्रामा ग्राम की बात की जा रही है प्रथम नंबर। सेकंड की बात कर रहे हैं शुद्धम विकल्पम चिनित, ग्रामम परिता कानी संति, जो ग्राम है गांव है, परिता चारों ओर, कानी संति क्या है, मतलब ग्राम के चारों ओर क्या है, संति मतलब इच्छा, तो क्या चीज दिए हुए हैं ग्राम के चारों ओर जो क्या है क्षेत्र है, खेत की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे क्षेत्राणी। सेकेंड नंबर बात की गई है, द्वितीय नंबर की बात करते हैं, छात्रा कुत्र पठंती, जो छात्रा जो बच्चे होते हैं विद्यार्थी होते हैं बालक बालिका होते हैं, कुत्र पठंती कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं विद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर विद्यालय, गुरुकुल में भी, जो गुरुकुल में कौन लोग पढ़ाई करते हैं, जो मुनि होते हैं, मुनि के जो शिष्य होते हैं वो लोग, उनके गुरुकुल होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है गुरुकुल में है ना, गृह घर में भी पढ़ा जाता है, मंदिर मंदिर में पूजा की जाती है, घर में रहने का स्थान है, लेकिन विद्यालय जो होती है वह बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, मैंने बताया द्वितीय नंबर। तृतीय नंबर बताया गया है कि तृतीय नंबर की बात की गई है, जनाः पत्राणि कस्मात् आनयन्ति, जनाः जनाः पत्राणि कस्मात् आनयन्ति, मतलब लोग पत्राणि कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पत्र जो आती है उनकी, डाकघर जो होती हैं, मैंने आप लोगों को डाकघर के बारे में भी बताया था, कुछ विद्यालय के बारे में बताया, कुछ व्यायामशाला के बारे में बताया था, तो यहाँ पर पत्र की बात की गई है, लोग पत्राणि कहाँ भेजते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ से भेजते हैं, ये भी बताया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपणात् ग्रामात् नगरात् पात्रालयात्, जो पत्रालयात होते हैं, डाकघर की बात की गई है, तो लोग डाकघरों से क्या करते हैं, फोर्थ नंबर की बात की गई है, सर्वे कासु सोत्साहम भागम गृहणन्ति, सर्वे सर्वे कासु सोत्साहम भागम गृहणन्ति, मतलब यहाँ पर सभी कैसे उत्साह में भाग है ना, उत्साह में भाग लेते हैं, गृहणन्ति है ना, लेते हैं की बात की गई है, तो क्रीडासु प्रतियोगितासु गीतेषु मेलापकेषु, तो जो गांव में भाग लेते हैं वो क्या होती हैं प्रतियोगितासु, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं सभी लोग। फाइव नंबर की बात की गई है, ग्रामे ग्रामीणाः कथम निवसन्ति, ग्रामे ग्रामीणाः कथम निवसन्ति, क्या होगा यहाँ पर, ग्राम जो होते हैं गांव जो होते हैं ग्रामीण कहाँ निवास करते हैं,
कलह पूर्वक निवास करते हैं, कैसे निवसंती, मतलब कैसे, कथम मतलब होता है कैसे निवसंती, राग पूर्वकम, द्वेष पूर्वकम, सहयोग पूर्वकम, चार ऑप्शन दिए हैं तो वहाँ पर क्या होती हैं, सहयोग पूर्वकम निवसंती। गांव में ग्रामीण एक दूसरे से क्या होते हैं, सहयोग पूर्वक निवास करते हैं, वहाँ पर बताया गया है। मैंने शुद्ध विकल्प इनके बारे में मैं आपको बताया। अब बात करते हैं पूर्णवाक्यन उत्तरत, जो ग्राम कुत्र स्थित अस्ति, ग्रामीण जो गांव होते हैं कहाँ स्थित हैं। मेलापके का प्रतियोगिता भवन्ति, मेला में कौन कौन से प्रतियोगिता होते हैं, मैंने पाठमाला के माध्यम से बताया कि का क्या 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 चीज़ की मेला आते हैं, जैसे कबरवध, कबड्डी, खो खो, बैलगाड़ी दौड़, ये सब होते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोग को नोट्स के माध्यम से स्वच्छता कुर्वन्ति, कहाँ कहाँ साफ करते हैं, ग्राम को, नदी किनारे को, विद्यालय को, सब साफ करते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। कृषका कदा हृत्स्यन्ति, कृषका जो होते हैं, कृषक जो होते हैं, कहाँ मतलब किसको देखकर हंसते हैं, अपने खेतों को, हरे भरे खेत को देखकर हंसते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कस्मे पुरस्कारम दिया, कैसे पुरस्कार दिया जाता है, जब दो दल तो कुछ प्रतियोगिता करते हैं उनमें जो विजयी होती है उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। ग्रामे कानी कानी संविधानी सन्ति, ग्राम जो होते हैं कानी कानी संविधानी मतलब ग्राम में जो बताया गया है कि कैसे कैसे सुविधाएं प्राप्त हो गई है ना, इस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो मैं नोट्स के माध्यम से इसको आपको ग्रुप से मैं भेजूंगा, आप अच्छे से देखिएगा कि कहाँ आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। फोर्थ नंबर बात करते हैं, चतुर्थ नंबर की बात की गई है, कुछ मंजूषा के माध्यम से बताया गया है। फोर्थ नंबर जो दिए हुए हैं, मंजुषा पदे हा वाक्यानि पूर्यत, मंजुषा के पदों से वाक्य पूरे कीजिए। मंजुषा में आश्रमेशु, पंजरेशु, राम लक्ष्मणों हा, कवीशु, गामायाम, आम वृक्ष, देवालयशु, आकाशे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आपको प्रथम नंबर पे कौन सी मंजुषा का अक्षर वाक्य आएंगे आपको फिलअप करना है। तो फर्स्ट नंबर बात की गई है, जनाः खालिस्थान स्नानम कुर्वन्ति, मतलब लोग जो होते हैं कहाँ स्नान करते हैं, कहाँ स्नान करने जाते हैं, नहाने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बुलाया गया है यहाँ पर फर्स्ट नंबर की बात की गई है गंगायाम। आप लोग गंगायाम को प्रथम नंबर में गंगायाम आप फिलअप करेंगे। द्वितीय नंबर की बात वसंती, मतलब वहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो ब्लैंक्स में आपको मनुया मतलब क्या होता है, मनुष्य की बात की जा रही है, तो कहाँ वसते हैं तो आश्रमेषु द्वितीय स्थान में आप लोग क्या करेंगे, टू नंबर पे आप आश्रमेषु को भरेंगे, फिलअप करेंगे। अब देखते हैं तृतीय नंबर, शुकहा ब्लैंक्स रटियंती, मतलब खाली स्थान रटियंती, सुखा जो होते हैं क्या रटता है, सुखा मिट्ठू जो होते हैं, तोता जो होते हैं, पैरोट्स जिसको बोला गया है, सुखा रटियंती खाली स्थान रटियंती क्या रटता है, मतलब कहाँ रह कर रटता है वो, पंजरेशु की बात की गई है, तो ये तृतीय नंबर आएंगे पंजरेशु, ठीक है। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, खालिस्तान पिकह कुजति, खालिस्तान पिकह कुजति, तो जो पीक होते हैं, जो पिकह कोयल की बात की गई है, ऐसे समझिए है ना, तो कहाँ पर कुजती है, आम वृक्ष पर रहकर वो क्या करती है, कुजती है, तो फोर्थ नंबर पे आएंगे आम वृक्षे। फिफ्थ नंबर पे आएंगे, देखिए वर्षतौ खाली स्थान मेघा गर्जंती, वर्षतौ किसकी बात की जा रही है कि वर्षा के समय खाली स्थान है ना, कौन गरजता है, मेघा गर्जंती क्यों गरजते हैं, इसलिए गरजते हैं, अभी बताएगी कि फिफ्थ नंबर पे आकाशे कौन गरजता है, तो आकाश गरजता है, तो आप लोग फिफ्थ नंबर को आकाशे को लिखिएगा।
है ना, ज्येष्ठ भ्राता की बात की गई है, उनके जो भाई होते हैं, तो राम लक्ष्मणों क्या है, भ्राता है, तो राम लक्ष्मणों को 6 नंबर पे आप लिखिएगा। उसके बाद 7 नंबर की बात की गई है, खाली स्थान कालिदासः सर्वश्रेष्ठः आसीत्, खाली स्थान कालिदासः सर्वश्रेष्ठः आसीत्, यहाँ पर जो कालिदास जी हैं सर्वश्रेष्ठ आसीत्, किसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, सभी कवियों में कालिदास जो हैं सर्वश्रेष्ठ था ये, तो कविसु, कविसु को आप लोग टिकार करेंगे, टिक लगाएंगे कविसु। उसके बाद 7-8 नंबर बात की गई है, भक्ता ईश्वर दर्शनाएँ, ईश्वर दर्शनाएँ खाली स्थान गच्छन्ति, मतलब जो भक्त होते हैं ईश्वर की दर्शनाएँ के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, देवालय में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, देवालय जाते हैं, तो आप लोग देवालय को टिक लगाएंगे, मंदिरों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, तो मंदिर को आप लोग टिक लगाएंगे, देवालय को टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चक्र स्थपद संयोजननी ने वाक्यानि रचयत, चक्रपद संयोजने वाक्यानि रचयत, ये जो चक्र दिए हुए हैं, यहाँ पर चक्र देखिएगा, ये जो चक्र दिख रहे हैं हम लोग को, ये चक्र के माध्यम से आपको क्या करना है, वाक्यों को रचना करना है, वाक्य की रचना करना है। ये जो चक्र आपकी जो मेमोराइज है, मेमोरी है, आपके जो दिमाग हैं, दिमाग की गतिविधि होगी, अच्छे से आप स्टडी करेंगे इनको। तो बात करते हैं चक्र की, बात करते हैं चक्र में दिए हुए हैं कि एक यथा के रूप में दिए हुए हैं, देखिएगा एक यथा के रूप में, राजसह नगरी बसती, तो यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम की बात की गई है, आपको इनमें से नगरीय बस्ती, नगरीय बस्ती कहाँ दिख रहा है, ये देखिएगा आपको क्या करना है, नगरीय बस्ती बताया गया है, नगरीय बस्ती को क्या करेंगे आप टिक लगाएंगे। तो प्रथम नंबर की बात की गई है, राजसह विद्यालय पठती, विद्यालय पठती, प्रथम नंबर में आप क्या लिख सकते हैं, राजसह, राजसह विद्यालय पठती, ऐसे लिख सकते हैं प्रथम नंबर पे। उसी प्रकार द्वितीय नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है राजेश, यहाँ पर विद्यालय को आप लेके लेंगे, पठती देखिए कहीं पर पठती होगा, तो पठती शब्द को उठाएंगे आप, है ना, ये पठती दिए हुए हैं 5 नंबर। यहाँ पर 3 सर्कल दिए हुए हैं, पहले देखिएगा 3 सर्कल क्या क्या दिए हैं, 3 सर्कल, ये जो राजेश एक सर्कल है, ये द्वितीय सर्कल है, और ये तृतीय सर्कल है, 3 सर्कल दिए हुए हैं, तीनों में कुछ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आप उठा के एक वाक्य बनाना है आपको, ठीक है। अब उठाइए देखिए, वहाँ पर राजसह क्रीड़ा गणे क्रीडति, मतलब वहाँ पर राजेश जो है क्रीड़ागण, मतलब खेल के मैदान में क्या करता है, खेलता है। उसी प्रकार थर्ड नंबर को आप देखिएगा, थर्ड नंबर में देखेंगे कि थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, कुछ शब्दों को उठाएंगे, राजेश क्या करता है, तरण ताले स्नान, क्या करता है, तरणताल में स्नानती स्नान करता है, स्नान करता है दिए हुए हैं। इस प्रकार आप शब्दों का एक वाक्य बनाएंगे। फिफ्थ नंबर की, फोर्थ नंबर की बात की गई है, राजेश, राजसह उद्याने भ्रमति, फिफ्थ नंबर पे राजसह आसंदे तिष्ठन्ति, आसन में तिष्ठन्ति मतलब बैठता है, है ना, राजसह स्थालायाम खादन्ति, स्थालायाम खादन्ति मतलब राजेश जो है घर में क्या करता है, खाना खाता है, या फिर राजसह शास्त्रायाम निद्रन्ति, है ना, राजसह शस्त्रायाम निद्रन्ति। तो इस प्रकार वह प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर, तृतीय, चतुर्थ, फिफ्थ, पंचम नंबर, षष्ठ, इस प्रकार आप क्या करेंगे, वाक्यों का निर्माण करेंगे। मैंने एक वाक्य के रूप में रचना किया। अब बात करते हैं कुछ 6 नंबर दिए हुए हैं कि यथा निर्देशम उत्तरत, आपको क्या करना है कि निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। प्रतियोगिता
इत्यत्र विभक्ति मतलब प्रतियोगिता जो है इसमें कौन सी विभक्ति की बात की गई है, कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है कि चतुर्थी विभक्ति है, इस विभक्ति को आपको क्या करेंगे टिक लगाएंगे। तो प्रतियोगिता प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। सेकेंड नंबर बात की गई है ग्राम परित क्षेत्राणी संति अत्र अभ्यम पदम किम, ये जो ग्राम परित है क्षेत्राणी संति जो वाक्य दिए हुए हैं इसमें अव्यय पद को आपको देखना है कि कौन से अव्यय पद हैं, ग्राम है कि परित है कि संति है कि क्षेत्राणी है, कौन सी एक अव्यय पद है, तो कौन सा होगा परित इसमें अव्यय पद है क्योंकि चारों ओर की बात की गई है यहाँ पर, है ना, तो अव्यय पद आपका परित है। तृतीय नंबर की बात होगा यदा का विलोम उल्टा क्या होगा, यदा मतलब होता है जब, तत्र मतलब होता है तत्, यत्र मतलब होता है अब, सदा मतलब होता है हमेशा, तदा मतलब होता है तब। तो यदा जब का क्या होगा तब, तो तदा को आप क्या करेंगे इसके विलोम पद होंगे, विलोम पद पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में एक पत्रालय है अनयो विशेषण पदम की, विशेष्य पद की बात की गई है, एक पत्रालय अनन्य में विशेष्य पद कौन से हैं, आप विशेष्य पद को क्या करेंगे आप टिक लगाएंगे, ग्राम एक पत्रालय ऐसा विशेष्य पद जिसकी विशेषता बता दी जाती है, मतलब एक जो पत्रालय है इसमें क्या विशेषता है, तो भाई इसकी विशेषता किसके बारे में बात की जाती है, पत्रालय की बात करें तो ये पत्रालय आपके लिए विशेष्य पद होंगे, तो इस प्रकार आप टिक लगाएंगे। पेज नंबर 92 देखिएगा, 92 की बात करते हैं, पेज नंबर 92 में दिए हुए हैं कुछ और दिए हुए हैं, 92 में दिए हैं कि चिकित्सालय अस्य पर्याय पदम किम, चिकित्सालय जो है चिकित्सालय की बात की गई है कि उनके पर्यायवाचक क्या होगा, चिकित्सालय का पर्यायवाचक क्या होगा, विद्यालय तो होगा नहीं, विद्यालय तो होगा नहीं, पत्रालय तो होगा नहीं, देवालय तो होगा नहीं, औषधालय होगा, इनके पर्यायवाची शब्द की बात की गई है तो क्या होगा औषधालय, तो इस प्रकार आप उनको टिक लगाएंगे। अब बात की गई है सिक्स नंबर में ते प्रातः काले उत्थात अत्र तेक पदम किम केभ्यम प्रयुक्तम, वहाँ पर बताया गया है कि वे जो प्रातः काल उठते हैं, है ना, अत्र मतलब यहाँ, ते मतलब ते, पद में केभ्यम प्रयुक्तम, है ना, तो आप प्रयुक्त हो जाते हैं तो किस कृषि के भी हो जाएंगे। पाठ के अनुसार भवंदितः ग्राम जीवनस्य विषय किम चिंतितम शुद्धम उत्तरचिन्युत, आपको क्या करना है ग्राम जो है पाठ के अनुसार आपको ग्राम जीवन के विषय में कुछ शुद्ध उत्तर क्या करना है चुनित करना है। ग्रामस्य वातावरणम कृत संभवन्ति, ग्राम को जो अवतरण होता है वो कैसा होता है, शांतिपूर्ण वातावरण होता है तो शांतिपूर्ण को आप क्या करेंगे टिक लगाएंगे। ग्रामीणाः प्रायः किं कार्य कुर्वन्ति, ग्रामीण जो होते हैं प्रायः क्या काम करते हैं तो वह कृषि का काम करते हैं। अधुना कृषि साधने कृषि कार्य भवति, जो अधुना होते हैं है ना, अब कैसे साधन आ गए हैं कृषि कार्य करने के लिए, बहुत सारे आधुनिक साधन आ चुके हैं। युवकाः व्यायामशाला किं आचरन्ति, जो युवक होते हैं व्यायामशाला में क्या करते हैं व्यायाम करते हैं तो व्यायाम को टिक लगाएंगे। ग्रामीणाः जनाः प्रायः कृषि भवन्ति, ग्रामीण जो होते हैं लोग ग्राम के लोग जो होते हैं प्रायः कैसा होते हैं कैसे होते हैं परिश्रमी होते हैं, है ना, परिश्रमण इसको आप लोग टिक लगाएंगे। ये जो परिश्रमण दिख रहा है आप परिश्रमण को क्या करेंगे टिक लगाएंगे। तो इस प्रकार मैंने कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात किया। मूल्यांकन असाइनमेंट को अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा, मैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगा, तो अच्छे से स्टडी कीजिए, जहां आपको दिक्कतें आएगी मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग की एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है 23 नवंबर से आप लोग का हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स है, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, सब्जेक्ट टीचर को पूछिए जहाँ आपको दिक्कतें होती हैं, बताइएगी कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लास्ट एक
क्लास व्याकरण बची हुई है उसको अध्ययन करेंगे। बाय बेटा।